5 अगस्त वो दिन जब जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनी और हालात आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हुए। सियासी लीडरों को नजरबंद रखा गया पहले और बाद में एक साल के वक्फे के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी रिहाई भी हुई है। लेकिन अब जो खबर आपके सामने हम रख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अक्सर सियासी लीडरों पर सफरी पाबंदियां जो के हैं इससे पहले आज की गई थी, कुछ लोगों पर अभी भी जारी है। अगस्त 5, 2019 को जो लोग गिरफ्तार हुए थे सियासी लीडरान थे, इनमें अक्सर लोग जो आज भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में जिनके नाम शामिल हैं, साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती का जो पासपोर्ट का मामला है अगरचे अदालत के सामने है लेकिन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में 30 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के ऐसे लीडरान हैं और ज़राए के मुताबिक ये तमाम लीडरान वो हैं जो आप शायद मुल्क के बाहर ना जा सकेंगे, जिन पर सफरी पाबंदियां आयद रहेंगी। ये सफरी पाबंदियों का मामला मतलब मुल्क के अंदर कहीं पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिरोने मुल्क जाना है तो फिलहाल जो हमारे पास खबर है, जो जराया से हमारे पास मुसद्दिका इतलात से खबर है, वो ये है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जो है उसमें तकरीबन 35 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस का नाम है, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं। और जब आप उस फहरिस्त में देखेंगे तो आपको अली मोहम्मद सागर, तनवीर सादिक, अल्ताफ कुल्लू जैसे नाम जो है वो सामने आएंगे। और इस बीच इस खबर को मजीद तवक्कुत तो उस वक्त मिली जब साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जब उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया गया और माना जा रहा कि शायद साबिक वज़ीर-ए-आला को भी बिरूनी रियासत बिरूनी मुल्क जाने का कोई प्रोग्राम था, इसलिए उन्होंने अपने पासपोर्ट की तैयारियां की थी लेकिन उन्हें पासपोर्ट नहीं मिला। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि 370 खत्म होने के बाद, रियासत जम्मू कश्मीर का दर्जा खत्म होने के बाद यूनियन टेरिटरी बनी और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी जहां लगातार ये दावे पेश किए गए कि हालात मामूल पर है और साजगार है, वहीं पर खबर यह कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर 35 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के सियासतदान हैं जो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते हैं। यानी मुल्क के अंदर आप कहीं पर भी जाइए, आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पर भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर आपने बैनुल-अक़वामी परवाज लेकर बैरून मुल्क जाना है तो वो पाबंदी जो है वो लगातार अभी भी है। और माना जा रहा है कि अगर ये पाबंदियां हैं तो इसका मतलब ये कि जो राइट टू ट्रैवल है जिसके तहत कानून के तहत जो गारंटी दी गई है आर्टिकल 21 के तहत, उसकी कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी हो रही है। और जब ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं तो मुझे ज़राए से ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर मरकजी हुकूमत के साथ उठाने का मन कुछ लोगों की तरफ से बनाया गया था, लेकिन जब सरद महरी हुई है अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला लिया गया है। सियासी जमातों के कुछ रहनुमा अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं ताकि उन पर ये सफरी पाबंदियाँ हट जाएँ, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर जो जिस लिस्ट के अंदर उन्हें डाला गया वहाँ से उन्हें आ जाए ताकि वो बैरून मुल्क जा सके। तो कुल मिलाकर 35 से ज्यादा पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो जिन पर आज भी सफरी पाबंदियां जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते हैं, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं, मुल्क के अंदर कहीं पर भी वो आ जा सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो हालात कैसे हैं?